लोग शुरू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज फिजिक्स पोर्शन में जो हमने एक चैप्टर किया है साउंड उस साउंड की एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। मैं सिर्फ उतना सा आंसर लिख रहा हूँ जो आपको 2 मार्क्स के लिए सफिशेंट है, इससे और ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ एक सेंटेंस 2 मार्क्स के लिए कम होता है, तो हमको डिस्क्राइब करना चाहिए कम से कम 3 सेंटेंस में, तो उसी अनुसार ये आंसर बनाए हैं। सो पहला हमें देना है कि साउंड होता क्या है। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी होती है। ओके, किस में एनर्जी होती है? कंटेन्ड इन वाइब्रेशंस। किस क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी होती है? मटेरियल मीडियम, तो वो भी लिखा है मटेरियल मीडियम। इट कैन ट्रैवल इन द मीडियम, क्योंकि दूसरी तरह की वेव्स मीडियम में नहीं चलती इसलिए हमको ये लिखना ज़रूरी है। थ्रू आवर ईयर्स इट क्रिएट्स ए सेंसेशन कॉल्ड हियरिंग इन आवर ब्रेन। तो साउंड बेसिकली वो होता है जो हम सुनते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन इसमें ज़रूरी है आंसर में देना। तो इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा कि साउंड एनर्जी है, वाइब्रेशन से पैदा होती है, इसके लिए मीडियम ज़रूरी है और साउंड हम उसको कहते हैं जिसको कान से हम सुनते हैं, जिसको टच करते हैं, जिसको देखते हैं वो साउंड नहीं होता, जिसको कान से सुनते हैं वही साउंड होता है, अदरवाइज वाइब्रेशन हर चीज़ में होते हैं। इस तरह से ये इसका परफेक्ट आंसर बनता है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड। हवा में किस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं? तो आपको ये पहले बनाना है, ये नॉर्मल एयर है, जब ये यहाँ से चलेगा तो कुछ एयर का पोर्शन दबेगा, ये दबा हुआ पोर्शन आप बना देंगे, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये कंप्रेशन कहलाएंगे जो दबे हुए हैं, और बीच में जो इससे ज़्यादा फैले हुए हैं ये रेयरफैक्शन है और ये नॉर्मल एयर है। तो आप एक ये डायग्राम बनाएंगे बिफोर और ये डायग्राम बनाएंगे आफ्टर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इस तरह से इसको हमने क्या आंसर दिया? डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये हमने डायग्राम बनाया और इसमें बताया कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कैसे बनेंगे, ये इसका आंसर होगा। एंड नाउ वी गो टू द थर्ड वन। साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। बिना मटेरियल के साउंड ट्रैवल नहीं करता, इसको अगर हम दिखाना चाहते हैं तो विद मटेरियल विदाउट मटेरियल साउंड को चलाकर देखेंगे और ये हम उसमें एक एक्सपेरिमेंट लिख देंगे। एक्सपेरिमेंट अपने आप में क्लियर है, ये एक बेल है एक जार के अंदर, जब इसमें हवा रहती है तो इसकी बेल की हमको सुनाई पड़ती है और जब अगर इसमें से हम हवा निकाल देंगे तो हमको बेल सुनाई नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि उसमें मीडियम नहीं है और वाइब्रेशन ट्रैवल नहीं हो सकते, इसी चीज़ को हमने लिख दिया है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक बेल इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए जार। वी कैन लिसन द बेल व्हेन देयर इज एयर इन द जार इवन इफ कैप इज क्लोज्ड। बंद कर दीजिए सब तरफ से हवा को तब भी आवाज़ आएगी, कैसे? क्योंकि बेल जो है एयर को वाइब्रेट कराएगी, वो एयर आकर इस ग्लास के वॉल को वाइब्रेट कराएगी और ये जब इस ग्लास के वॉल को वाइब्रेट कराएगी तो ये ग्लास की वॉल बाहर की एयर को वाइब्रेट कराएगी और वो एयर हमारे कान में आएगी, हमको सुनाई पड़ेगा। तो सिर्फ ढक्कन लगा देने से आवाज़ कम तो हो जाएगी पर ख़त्म नहीं होगी। सो बट इफ लिड इज़ क्लोज्ड एंड ए वैक्यूम इज़ क्रिएटेड इनसाइड इट देयर इज़ नो मीडियम पार्टिकल्स वी डू नॉट हियर एनी साउंड। वैक्यूम कर देंगे, हवा को निकाल देंगे तब साउंड नहीं आएगा। इट शोज दैट साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। एन इलेक्ट्रिक बेल इज प्लेस्ड इनसाइड ए जार। वी कैन लिसन द बेल व्हेन देयर इज एयर इन द जार इवन इफ कैप इज क्लोज्ड। बट इफ लिड इज क्लोज्ड ए वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड इट देयर इज नो मीडियम पार्टिकल वी डू नॉट हियर एनी साउंड। इट शोज दैट साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। तो ये है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एंड नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं?
तो हमको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है. तो वेव यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाना है तो वाइब्रेशन अगर ऐसे ऐसे होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, तब तो ये कहलाएंगे लॉन्गिट्यूडनल. और वही हमने आंसर में लिख दिया है, साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, दैट इज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द वेव प्रोपिगेशन. दिस इज आंसर फॉर दिस. एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. Which characteristics of the sound help you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? हम एक पिक्चर हॉल में गए और हमारा फ्रेंड पहले से वहाँ से हमने बैठा है, हमने आवाज़ दी, मोहन कहाँ हो, तो वहाँ से एक जगह से आवाज़ आती, मैं यहाँ बैठा हूँ. हमको दिखाई कुछ नहीं दिया पर हमने आवाज़ पहचान ली कि वो वहाँ बैठा है. इसी तरह से हम एक हॉल में घुसते हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, हमारी मदर भी वहाँ पर हैं, वो भी बात कर रही हैं, इन सब आवाज़ों में से हम उस आवाज़ को पहचान लेते हैं. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण हम उसको पहचानते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को फिजिक्स में साउंड में क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर. दोनों चीज़ याद रखिए, हर आदमी की जिस तरह से फेस अलग अलग होता है, हर एक का सिग्नेचर अलग अलग होता है, हर एक के फिंगर प्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर एक के साउंड क्या क्या अलग होता है, अंतर है क्वालिटी, और उसी को क्या कहते हैं, टिम्बर. ये वॉइस एनालिसिस करके लोग बताते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग हमको मिल रही है ये रिकॉर्डिंग उस आदमी की है या नहीं है, ये आपने स्टूडेंट में देखा होगा. और इसको पर्टिकुलरली हम लोग खुद भी देख सकते हैं, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, ऑडेसिटी एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है, आप चाहें तो उसे देखिए, और उसमें हर आदमी के साउंड की क्वालिटी अलग अलग दिखती है, ग्राफ बना हुआ दिखता है. तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है, इसका नाम है क्वालिटी और टिम्बर. साउंड विच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, इट इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज विच मेक्स द सिग्नेचर टोन ऑफ एन इंडिविजुअल. हर एक आदमी का जिस तरह से सिग्नेचर अलग होता है, उस तरह से जो उसके सिग्नेचर टोन आवाज़ है वो अलग होती है, और उसको हम कहते हैं वो उसका टिम्बर है, वो उसकी क्वालिटी है. हमारे गले में हज़ारों लेरिंग्स होते हैं, हर लेरिंग्स जो वाइब्रेट करते हैं और उससे एयर जो वाइब्रेट होती है वो हमारा कान डिटेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड. तो ये जो लेरिंग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, एक नहीं होता, ये इतने सब वाइब्रेट करते हैं और सब की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, उससे एक मिक्सचर ऑफ साउंड बनता है. वो जो मिक्सचर बनता है उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज आपस में मिक्स होती है. वो वाला जो मिक्सचर का डिस्क्रिप्शन है वो हर आदमी का अलग अलग होता है, और चूंकि वो अलग अलग होता है इसलिए उसकी क्या अलग होती है, क्वालिटी या टेम्पर. सो दिस इज आंसर फॉर इट. एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन. साउंड आता है, बादल आपस में टकराते हैं, क्लाउड्स, वहाँ से हमको बिजली भी चमकती हुई दिखती है, और जब जोर से बिजली चमकती है उसके बाद हमको आवाज़ आती है. पहले कौन आया, लाइट, दैट इज फ्लैश. बाद में कौन आया, साउंड, दैट इज थंडर. व्हाई इट हैपेंस, तो इसका रीज़न है ये दोनों वहाँ से मूव होते हैं, चलते हैं और चलकर आते हैं, वाइब्रेशंस दोनों के आते हैं, लेकिन एक की स्पीड कम होती है एक की ज़्यादा होती है. तो जिसकी स्पीड फास्ट है वो पहले आता है और जिसकी स्पीड स्लो है वो बाद में आता है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कौन फास्ट है. सो फ्लैश इज लाइट विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रीचेस विद ए स्पीड ऑफ 3×10⁸. ये 3 करोड़ किलोमीटर की स्पीड से हमारे पास आती है, और इसको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगता है वहाँ से यहाँ पहुँच लेता है. लेकिन थंडर जो होता है साउंड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स एवरेज स्पीड इज 330 मीटर ओनली.
therefore it takes few seconds to reach us. वहाँ से यहाँ आवाज़ आने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है. डिपेंड्स क्लाउड्स कितनी दूर. समटाइम्स इट मे बी वन सेकंड अगर 300 मीटर दूर हैं, लेकिन अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हैं इट मे बी 2 सेकंड्स 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स लाइक दैट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. बट लाइट कम्स विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. तो पहले लाइट हमें दिखेगी और उसके बाद में साउंड आएगा. आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि क्लाउड हमसे कितनी दूर है. जैसे ही बिजली दिखती है स्टॉपवॉच चालू करिए अपने मोबाइल की या अपने हाथ की, और जैसे ही साउंड आता है उसको बंद करिए. यू विल फाइंड द टाइम. उस टाइम को 330 मीटर से मल्टीप्लाई करिए. व्हाट यू विल फाइंड कि वो क्लाउड्स का डिस्टेंस क्या है. दैट इज़ यू कैन डू इट. ओके नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 7. A person has a hearing range 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of the sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of the sound in air as 344 meter per second. तो इसमें एक एक चीज की बात करते हैं. पहले ये क्या चीज है 20 hertz to 20 kilohertz. जो एयर में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशंस होते हैं, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं. तो आंसर है मान लो एक सेकंड में कोई चीज़ 5 वाइब्रेशन कर रही है, तो हमारे कान का पर्दा 5 बार एक सेकंड में ऐसे होगा और वो हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं भेजेगा क्योंकि ये वाइब्रेशंस बहुत कम है. वो कब सिग्नल भेजना शुरू करता है, जब ये वाइब्रेशन 20 से ज़्यादा होते हैं, 20 पर सेकेंड से 20 हर्ट्स. ठीक, उसने भेजे 1000 वाइब्रेशन हो रहे हैं पर सेकेंड, तब भी वो ब्रेन को भेजता है. 2000 तब भी भेजता है, 3000 तब भी भेजता है, और वो साउंड पतला होते चले जाता है. ये मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था. ओके, ऐसा करते करते 20,000 जब हो जाता है तब भी वो ब्रेन को भेजता है बहुत पतली आवाज़. लेकिन जब वो 21,000 हो जाती है तो ये उस वाइब्रेशंस को नोट नहीं कर सकता, फिर ये हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं भेजता. वाइब्रेशन हो रहे हैं पर हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता. That is supersonic. तो इस तरह से ये जो supersonic है हमको नहीं सुनाई पड़ता. तो कब तक हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं 20,000, that is 20 kilohertz. तो यहाँ तक हम देख सकते हैं. दूसरी चीज़ इन्होंने पूछा है टिपिकल wavelength. तो wavelength एक क्वांटिटी दी है, फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में एक क्वांटिटी दी है, और वेलोसिटी स्पीड ऑफ द साउंड ये क्वांटिटी दी है. इसमें इन्होंने हमको स्पीड बताया है, फ्रीक्वेंसी बताया है, और हमसे वेवलेंथ के बारे में पूछा. तो हमको वो फार्मूला याद आना चाहिए, और वो फार्मूला है वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ वेलोसिटी रख देते हैं 344, और जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज लिखेंगे तो हमको वेवलेंथ कितनी मिलेगी 17.2 मीटर, और जब हम फ्रीक्वेंसी 20,000 रखेंगे तो वेवलेंथ कितनी मिलेगी 17.2 मिलीमीटर, इससे 1000 गुना कम. तो जो वेवलेंथ हमारी कान में इफेक्ट करती हैं और जिससे साउंड सुनाई पड़ता है वो वेवलेंथ की लेंथ कितनी होती है, कम से कम 17.2 मिलीमीटर, कितनी और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मीटर. उससे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होगी तो भी साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा, और इससे छोटी होगी तब भी सुनाई नहीं पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट दी वेवलेंथ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी रिलेशन. वी सी क्वेश्चन नंबर 8. टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड. वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद ए स्टोन. फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड. दो बच्चे हैं और दोनों ने अपने कान के बीच में एक एल्युमिनियम का रॉड ऐसे लगाया. ओके, टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद ए स्टोन. ओके, एक के कान में ऐसे लगा दिया गया है और इसके दूसरे एंड पे दूसरा लड़का इसको खट 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 बजाता है, और ये कान में लगा हुआ है, ये इसको ऐसे बजा रहा है. तो हमारे कान में दो तरह से आवाज़ आती है. एक, जब इसको हम ऐसे खटखट करते हैं तो वो एयर के मीडियम से वाइब्रेशंस होके
कान में आवाज़ आएगी, दूसरा इसके अंदर वाइब्रेशंस होंगे एल्यूमिनियम के अंदर, और ये वाइब्रेशन कान में पहुँचेंगे। क्या दोनों एक साथ पहुँचेंगे या अलग अलग पहुँचेंगे? तो पहला तो हमको ये आंसर आना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि जो एयर से आएगा वो साउंड की जो एयर की स्पीड है उससे आएगा, और जो एल्युमिनियम से आएगा वो एयर साउंड की स्पीड इन एल्युमिनियम उतना फास्ट आएगा। ओके, सो टाइम टेकन, टाइम फॉर एल्युमिनियम एयर इज डिस्टेंस वेलोसिटी इन एयर। टाइम टेकन इन एल्युमिनियम कैपिटल ए मैंने यूज़ किया इसके लिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एल्युमिनियम। तो टाइम इन एयर, टाइम इन एल्युमिनियम, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो डिस्टेंस कैंसल आउट हो गया, वेलोसिटी इन एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एयर, और ये हमने किया 18.6 टाइम्स, यानी वेलोसिटी इन एल्युमिनियम ऊपर है ये। इसका मतलब है कि टाइम इन एयर ज़्यादा लगेगा और टाइम इन एल्युमिनियम कम लगेगा, क्योंकि एल्युमिनियम में वेलोसिटी फास्ट होती है 6420 मीटर, और एयर में वेलोसिटी कम होती है 346 मीटर। इस तरह से 18.6 टाइम्स ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। टाइम टेकन इन एयर डिस्टेंस वेलोसिटी इन एयर, टाइम टेकन इन एल्युमिनियम डिस्टेंस वेलोसिटी इन दिस। सो इन दोनों को किया, ये आ गया रेशियो 18.6 टाइम्स। Now we go to the next question. The frequency of a source of sound is 100 hertz. ठीक? How many times does it vibrate in 1 minute? Hertz means what? Vibrations in 1 second. If in 1 second vibrations are 100, so in 1 minute, 60 seconds, the vibration will be 160, that is 6000. दिस इज़ द आंसर। तो ये सिर्फ इसलिए था कि हमको हर्ट्स का मीनिंग मालूम है कि नहीं, इट इज़ ओनली फॉर दैट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज? एक्सप्लेन। यस, रिफ्लेक्शन के नियम सेम रहते हैं, चाहे वो लाइट एनर्जी का प्रोपिगेशन हो चाहे वो साउंड। तो साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज बाय द लाइट वेव्स। तो आंसर इज यस। क्या होते हैं लॉज? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड वो जो आप उसमें पढ़ेंगे दैट इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ऑल आर इन द सेम प्लेन। ये आप अगले साल पढ़ेंगे, फिलहाल इतना हमको आंसर देना है यस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों बेसिकली क्या हैं? वेव्स, वेव्स प्रोपेगेटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। दोनों का नेचर, दोनों वेव्स हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन के रूल दोनों के सेम होते हैं। एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एन इको इज प्रोड्यूस्ड, लेट द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड रिमेन द सेम। डू यू हियर इको साउंड ऑन ए हॉटर डे? आंसर इज नो, द पॉसिबिलिटी इज लेस। इन इको द रिफ्लेक्टेड वेव शुड कम ओनली आफ्टर 0.1 सेकेंड। हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमारे कान की एक डिसेबिलिटी है, एक बार जो साउंड इसको सुनाई पड़ता है दूसरे साउंड 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ता है, तो हमको क्या लगता है कि ये दूसरा साउंड है। अदरवाइज पहले साउंड का कंटिन्यूएशन हमको सुनाई पड़ता है। सुनिए, आ कितनी बार मैंने आ बोला? एक बार। लेकिन इसी को आप इस तरह से सुन सकते हैं, आ आ आ। अलग अलग क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? क्योंकि पहले और दूसरे अ के बीच में 0.1 सेकेंड का कम से कम गैप है। अगर ये गैप नहीं होगा तो हमको क्या सुनाई पड़ेगा? आ, एक ही साउंड। तो इसलिए जब हम इको सुनते हैं तो आवाज़, साउंड और उसकी इको,
इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। और उसके लिए ये पॉइंट साउंड, ये टाइम गैप कहाँ से आएगा, द वेव विल गो गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक, इस ट्रैवल में 0.1 सेकेंड टाइम लगना चाहिए। मान लो वो दीवार उतनी दूर है, कितनी, 115 मीटर, 115 साउंड जाएगा, 115 आएगा, 330, और कम करते, हमको तो सिर्फ 0.1 सेकेंड चाहिए। सो द वॉल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 मीटर, 16.5, 16.5, 33 मीटर साउंड ट्रैवल किया तो 0.1 सेकेंड हो गया। हमने एक बार अ बोला, अ लौट के आया 0.1 सेकेंड के बाद, तो हमको दूसरा अ सुनाई पड़ा। लेकिन अगर उस दीवार को हम नज़दीक कर देंगे तो हमने अ बोला और वो अ 0.05 सेकेंड में ही वापस आ गया, तो अभी तक हमारे कान में पहले वाला अ गूंज रहा था, दूसरा अ उसमें आके मिक्स हो गया, हमको पता ही नहीं चला हमने क्या कहा, एक ही साउंड था, दूसरा नहीं था। ये हमारे कान की डिस्क्रिपेंसी है कि 0.1 सेकेंड तक उसमें साउंड गूंजता रहता है, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम म्यूज़िक का मज़ा उठा सकते हैं, अदरवाइज़ हम म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए ज़रूरी होता है। दिस वी हैव डन इन थ्योरी जब हमने रेवरबरेशन के बारे में पढ़ा था। एनीवे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक पर्सन से एक वॉल इतनी दूर है कि वो जस्ट 0.1 सेकेंड में साउंड को वापस भेजती है। अब अगर गर्मी के दिन हो गए तो हवा का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उससे साउंड की स्पीड बढ़ गई, अगर साउंड की स्पीड बढ़ गई तो जब वो वापस आएगा तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर टाइम कम हो गया 0.1 से तो हमको बीच का गैप सुनाई नहीं पड़ेगा, बीच के गैप में साइलेंट नहीं आएगा, पहले वाले अ में ही ये रिटर्न से मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.1 से पहले, क्यों पहले आ गया, क्योंकि साउंड की स्पीड बढ़ गई। क्यों साउंड की स्पीड बढ़ गई, क्योंकि एयर गर्म थी, हॉट एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद है कि नहीं, इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। सी, द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको स्पीड, करेक्ट, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड रिमेन द सेम, डू यू हियर इको साउंड ऑन ए वाटर डिस्क, द पॉसिबिलिटी इज लेस फॉर इको, इट शुड कम ओनली आफ्टर 0.1 सेकेंड, इफ टेम्परेचर इज हाई the velocity increase, therefore time of travel will decrease, hence it may be less than 0.1. in that case we will not hear echo, what we hear is continuation of our original sound. This is how we write it. Okay, so now we go to the next question. It is, give two practical applications of reflection of sound. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज एप्लीकेबल, दो एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इन द मेडिकल फील्ड एज सोनोग्राफी, टू चेक वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। ओके, सोनोग्राफी हम लोग आजकल सब जानते हैं, हॉस्पिटल्स में होता है बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा, इन द नेवी वी फाइंड आउट एंड स्टडी द ऑब्जेक्ट्स अंडर द वाटर, वहाँ पर भी हम अल्ट्रासाउंड यानी साउंड वेव्स पर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, उनको भेजते हैं और वो वापस आती हैं, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि वो हाई क्यों होती हैं, ताकि एनर्जी ज़्यादा हो, ज़्यादा डेप्थ तक जा सके। अगर हम कान से नहीं सुन सकते हैं तो हम उसके लिए डिटेक्टर लगाते हैं जो कि उस फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते, दैट इज़ पॉसिबल। सो दीज आर दी टू एप्लीकेशंस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर 500 meter high into a pond water at the base of the tower. When it splash heard at the top. G की value हमको दी है, speed of sound दी। Okay, एक पत्थर हमने फेंका, पत्थर नीचे गया, पानी में गिरा और वहाँ sound produce हुआ, वो sound सब तरफ फैला, ऊपर भी आया, वो sound आके हमको कान में सुनाई पड़ा। कितना time लगा,
ये हमको फाइंड आउट करना है. इसमें ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है बेसिकली. साउंड में दिया गया है बट इट बिलोंग्स टू काइनेमेटिक्स. किस तरह से, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब पत्थर नीचे गिरता है तो उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है और वो एक्सेलरेटेड मोशन है. हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी 9.8 से. लेकिन टकराने के बाद जब साउंड ऊपर आता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है. हर एक सेकेंड में वो इंक्रीज नहीं होता. इसलिए दोनों में टाइम कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज अलग अलग होंगे. एक में पत्थर नीचे गिर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, साउंड ऊपर आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन, नो एक्सेलरेशन, और दोनों के फॉर्मूलाज हमको मालूम है. देखिए द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, दिस दिस दिस. पहले हम सब क्वांटिटीज लिख लेते हैं और हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट टाइम टी. ये बहुत ज़रूरी है जानना क्वेश्चन को पढ़ के कि कहाँ पर ये लिखा है, कि हमको निकालना क्या है. ये व्हेन इज दिस स्प्लैश हर्ड, व्हेन के कारण हमको पता लगा कि हमको क्या निकालना है, टाइम. ओके, अब टाइम किस में लग रहा है, पत्थर का नीचे जाना और साउंड का ऊपर आना. ये सारी क्वांटिटीज जो दी गई हैं हमने लिख ली. जब हम पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो यू कितना माना जाएगा, ज़ीरो. एक्सेलरेशन पत्थर के लिए कितना है, 10. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 500. ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है 500. और स्पीड ऑफ साउंड ये हमको मालूम है 340, ये यहाँ दी भी हुई है 340. ओके, अब टाइम. ये टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, T1 टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, T2 फॉर साउंड टू कम अप टू द टावर. अब T1 के लिए हमने रिलेशन यूज़ किया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बिकॉज इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाया और इसमें वैल्यूज रख दी. इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन, दिस इज G, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 लेनी है, ये लिखा हुआ है तो हमने 10 ले ली, टी स्क्वेयर. ओके, तो इससे हमने T1 की वैल्यू निकाली, 5T स्क्वेयर इज दिस, सो T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड. पत्थर के नीचे गिरने का टाइम आ गया 10 सेकेंड. अब साउंड ऊपर जाएगा तो साउंड ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या है, 340, ये हमको दी गई है. तो जब वेलोसिटी नहीं दी जाएगी तो हम नॉर्मल वैल्यू 330 यूज़ कर लेंगे, चलेगा. पर अगर दी गई है, डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, मेनी थिंग्स. तो अगर दी गई है, इफ इट इज़ गिवन, वी विल यूज दैट वैल्यू 340. सो T2 S इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसमें टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, और ये टाइम हमको मिल गया 1.47. ये अप्रॉक्सीमेटली हमने ले लिया 1.5, राउंड इन करके 1.5. तो 1.5 सेकेंड साउंड को ऊपर आने में, 10 सेकेंड पत्थर को नीचे जाने में, तो कुल कितना टाइम लगा, 11.5 सेकेंड. सो दिस इज अवर आंसर दैट वी विल लिसन द साउंड आफ्टर 11.5 सेकेंड. When is the splash heard? The splash is heard after 11.5 seconds. Now we go to the next question, 15. A sound wave travel at a speed of this. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? तो frequency का, wavelength का और speed का ये relation हमको पता है और उस relation को हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ. स्पीड है 339 और ये रही वेवलेंथ, तो ये फ्रीक्वेंसी निकली 22,600. पर हमको मालूम है 20,000 के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी हो तो वो साउंड हमको सुनाई नहीं पड़ता. सो दिस इज नॉट ऑडिबल. सो ह्यूमन ईयर्स रिस्पॉन्ड ओनली अप टू 20,000, देयरफॉर दिस साउंड इज नॉट ऑडिबल टू अस. This is the answer for this question. And now we go to the next question. Question 15. What is reverberation? How it can be reduced? ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं.
Normally, a sound is retained in our brain for 0.1 second. In a hall, when sound is reflected from different surfaces like walls and roofs, all these reflections reach ears one after the other. And we keep hearing this sound repeatedly for a longer period of 0.1. हम देख रहे हैं कि एक सितार का तार बजा 0.2 सेकंड तक हमारे कान में आवाज़ आ रही. क्यों? एक आवाज़ डायरेक्ट आती है वो 0.1 सेकंड तक रहेगी, पर जो छत पे गई वहाँ से टकरा कर आई उसको टाइम लगा. वो आई तो उसने भी अपना 0.1 सेकंड लिया. फिर तीसरी आवाज़ कहीं से घूम के आई वो भी 0.1 सेकंड तक गूंजती रही, तो ज़्यादा देर तक वो आवाज़ गूंजती रहती. और हम क्या देखते हैं कि वो जो आवाज़ें हैं वो एक सिंगल आवाज़ अलग थी, और ये जो इफ़ेक्ट आता है दो तीन आवाज़ों का मिलकर ज़्यादा लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट आता है, इसको क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन. तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर्बरेशन. यू कैन राइट इट लाइक दिस, व्हाट इज़ रिवर्बरेशन. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड. Loudness. What is loudness? We have to tell here. Isko, please read it as loudness. What is loudness? Loudness of sound is the volume of it. More volume, more loudness. In physical terms, loudness is more when amplitude of vibration is more. Okay. जब हम बोलते हैं, air के particle ऐसे vibrate होते हैं. ऐसे. अब ये वाइब्रेशन ये देखिए, इधर गया एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, ऐसे एक सेंटीमीटर से वाइब्रेट हो रहा है. राइट. मुझे कुछ साउंड सुनाई पड़ेगा, पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ दो मीटर, दो सेंटीमीटर, तो ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा. हमने देखा तबले को धीरे से बजाया और ज़ोर से बजाया, ज़ोर से बजाते हैं लाउड साउंड सुनाई पड़ता है. क्यों? वाइब्रेशन का क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड. इसको क्या कहते हैं? दिस इज स्मॉल एम्पलीट्यूड, दिस इज लार्जर एम्पलीट्यूड. लार्जर एम्पलीट्यूड के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारे कान में जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी ज़्यादा होगा, और उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहेंगे? लाउडनेस. सो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ वॉल्यूम. हम लोग उसको क्या कहते हैं डे टू डे लैंग्वेज में? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज मोर, लाउडनेस इज मोर. इन फिजिकल टर्म्स लाउडनेस इज मोर व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मोर. लाउडनेस किससे पैदा होती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से. लाउडर साउंड हैज मोर एनर्जी, एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी. लाउडनेस इज मेजर्ड एज रिस्पॉन्स ऑफ अवर ईयर टू द वॉल्यूम ऑफ साउंड एंड इट्स यूनिट इज डेसिबल. हम जो कान से सुनते हैं वो लाउडनेस है. ओके. लाउडनेस जो वाइब्रेशन का ज़्यादा होता है वो क्या है? एम्पलीट्यूड. तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम एम्पलीट्यूड यूज़ करेंगे, लेकिन साउंड की लैंग्वेज में हम लाउडनेस यूज़ करेंगे. तो लाउडनेस हमारे कान का रिस्पॉन्स है जो कि वो ब्रेन को देता है. ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है हम कहेंगे बहुत लाउड साउंड है. तो ये जो लाउड साउंड है ये हम एकदम शांत जगह पे क्या मानते हैं? ज़ीरो है. एकदम शांत जगह पे, दैट इज़ हमने उसकी यूनिट बनाई है डेसिबल. डेसिबल यूनिट की कैलकुलेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट याद रखिए डेसिबल. ओके. तो अलग अलग जो लोकेशन रहती हैं वहाँ का जो साउंड लेवल है वो अलग अलग डेसिबल होता है. थ्योरी में मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था. तो डेसिबल किसकी यूनिट है? लाउडनेस की. याद रखिए, इसका वन मार्क क्वेश्चन भी आता है. डेसिबल इज यूनिट ऑफ व्हाट? हमारा आंसर क्या होगा? लाउडनेस ऑफ साउंड. सो दिस इज व्हाट इज लाउडनेस. दिस इज नॉट करेक्ट, इट शुड बी व्हाट इज लाउडनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. एक्सप्लेन हाउ बैट्स आर अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे. चमगादड़ या बैट्स अल्ट्रासाउंड को किस तरह से यूज़ करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए? सो बैट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग. वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी
20,000 से ज़्यादा होती है, हम नहीं सुन सकते, हमको पता ही नहीं लगता कि यहाँ चमगादड़ वो आवाज़ निकाल रहा है। ऐसे ही जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उड़ते हुए, उनको भी पता नहीं लगता, लेकिन वो साउंड वेव्स हैं। वो वेव्स आती हैं, उस कीड़े से टकराएंगी, टकरा कर वापस जाएंगी और चमगादड़ को दिखता नहीं है, अंधेरा है, दिखता भी नहीं है उसको। तो वो क्या करता है, इधर उसने तरंग फेंकी, एक वेव ऐसे गई और वापस आई। अगर सामने को इंसेक्ट है तो टकरा कर वापस आएगी, और अगर नहीं है तो नहीं आएगी। तो उसने इधर वेव डाली, इधर डाली, इधर डाली, इधर डाली, ये वाली वेव वापस आई। तो उसने देखा इधर से वेव आ रही है, तो वापस कब आती है उसको मालूम है कि यहाँ पर कुछ है, इंसेक्ट है। तो इससे उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर प्रे यानी उसका शिकार वहाँ पर है। तो उसकी पावर क्या है कि वो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, हायर देन टू। सो दिस साउंड इज सेंट बाय इट इन ऑल अराउंड, दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय एनी इंसेक्ट द ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट। विद हेल्प ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड वेव दे एस्टिमेट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड ही इज एबल टू कैच द प्रे। But others cannot do that because we cannot produce ultrasound, we cannot detect ultrasound. Who can do it? Bats can do it. So bats use ultrasound to catch the prey. This is the answer for it. Okay. Again, ultrasound. How is ultrasound used for cleaning? Ultrasound can vibrate the air particles at very high speed. So ultrasound, हमने किसी जगह से धूल उड़ानी है तो हम फू करते हैं, हमारे जो एयर के वाइब्रेशंस होते हैं दो हज़ार 300 और 400 500 आदमियों के ह्यूमन बॉडी से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं 500 तक ही निकल पाते हैं गले से, उससे ज़्यादा नहीं निकलते। तो वो एयर को वाइब्रेट करेंगे 500 टाइम्स और एयर हट सकती है, अपनी जगह से उड़ सकती है। सपोज़ हम उसको और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे तो वो और ज़्यादा उछलेगी, अपनी जगह से हट जाएगी, और इतनी एनर्जी उसको मिलेगी कि एयर जिस पार्टिकल जिस सरफेस पर बैठी है उसको छोड़ देगी। छोड़ने का तरीका क्या है, वहाँ से हटाना है उसको, वाइब्रेट कराएंगे तो उस जगह को छोड़ देगी। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कराएंगे उतना चांस है कि वो उसको ज़्यादा छोड़ देगी। हमने फू किया तो जो 100 पार्टिकल थे उसमें से 10 पार्टिकल उड़ गए, 90 अभी भी चिपके हुए क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा था। उसके बाद हमने वैक्यूम क्लीनर चलाया, वैक्यूम क्लीनर ने एयर में वाइब्रेशन किया, ब्लोअर ने एयर में वाइब्रेशन किया जिसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 थी, तो उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको दी कि और पार्टिकल भी उड़ गए। अब 100 में से 80 पार्टिकल उड़ गए, 20 अभी भी चिपके, उनको उसके वाइब्रेशन भी नहीं उड़ा पाए। तो हमने क्या यूज़ किया, अल्ट्रासाउंड, मोर देन 20,000। इतने ज़्यादा पावर लेकर जब ये वाइब्रेट होते हैं तो उसके वाइब्रेशन में इतनी पावर होती है कि वो इस सरफेस को डस्ट छोड़ देती। अब 100 में से 99 चले गए, उड़ गए, क्योंकि उनके वाइब्रेशन इतने ज़्यादा हुए। इसलिए अल्ट्रासाउंड से क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी होती है। सो अल्ट्रासाउंड कैन वाइब्रेट द एयर पार्टिकल्स एट वेरी हाई स्पीड, दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स नॉक आउट द डर्ट फ्रॉम द सरफेस। इट इज़ द आंसर फॉर हाउ अल्ट्रासाउंड हेल्प अस क्लीन। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। इन सोनार द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टारगेट ऑब्जेक्ट। These reflected waves are received back by sender. The computer can calculate the time period of travel and change in frequency with this data. The location and motion of the object is calculated. ये अभी जो मैंने आपको explain किया था bat के reference में, सब तरफ waves हम भेजते हैं, okay? और ये waves जहाँ से वापस आएगी वहाँ से हमको पता लगेगा कि यहाँ पर कोई हमारा टारगेट है। जितनी देर में वापस आएगी
उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम नोट कर लेंगे और डॉपलर इफेक्ट आप पढ़ेंगे आगे जाके, उससे हमको पता लग जाएगा कि वो मूव कर रहा है, अपनी जगह पे खड़ा है, ये हमको डॉपलर इफेक्ट से पता लगेगा। डिस्टेंस टाइम स्पीड की कैलकुलेशन से हमको पता लगेगा कि वो कितने डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से हम साउंड से नेविगेशन भी करते हैं, रेंजिंग भी करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कितना दूर है और मूव कर रहा है कि खड़ा है, दोनों चीज़ें हम इससे पता लगा सकते हैं। और जो वेव्स यूज़ करेंगे, दोज आर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, और बाकी ह्यूमन बीइंग्स को पता भी नहीं चलता कि वो यूज़ की जा रही है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं पड़ेगा उसका। सो दिस इज़ वर्किंग एन एप्लीकेशन ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग equipment. Next and the last question, a sonar device on a submarine sends out a signal and receive an echo 5 seconds later. Calculate speed of the sound in water if the distance of the object is this. It is a very simple question of distance, time and speed. Here speed is distance upon time. कितना distance था, तो हमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि distance 3625 है। No, 3625 साउंड गया तो वापस भी तो आया रिफ्लेक्ट होके, हमारे कान में जब वो आया तो कितना ट्रैवल कर चुका था, 3625 इनटू 2, सो वी हैव टू टेक दिस मच इज़ द ट्रैवलिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन 5 सेकेंड। इससे 5 को डिवाइड किया एंड वी गेट दिस एज स्पीड ऑफ द साउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ साउंड ऑफ क्लास 9th लेवल एंड व्हेन वी गो टू क्लास 11th and then we go for JEE questions, the questions will become tougher and tougher. So we will see it in that. Thank you.